हेलो गाइस, मैं मुसीबुल, आप लोग देख रहे हैं मेरा आपका यूट्यूब चैनल जुगांतर थोड़ा इस वीडियो बताऊंगा। बहुत सारे भाई ने कमेंट किया है कतर का वीसा पाने के लिए कितना टाइम लगता है। बहुत सारे भाई ने इस तरह से कमेंट किया है और कतर को वर्क वीसा पाने में कितना टाइम लगता है। कतर का जो अभी जो वीसा मिल रहा है वर्क मल्टी एंट्री वीसा मिल रहा है, जो मल्टी एंट्री वीसा पाने के लिए कितना टाइम लगता है। तो इस वीडियो आप लोगों को फुल डिटेल्स बताऊंगा आपको कतर का वीसा पाने के लिए कितना टाइम लगता है और वीसा कौन सा वीसा में अभी का सिचुएशन में एक लेबर लोग के लिए कौन सा वीसा में ज्यादा सही होगा, वो भी आप लोग को इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन पर प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देखिए आगे अभी कतर में जाएंगे तो आपको बहुत सारे वीसा ओपन है। विजिट वीसा जो ऑनरेबल वीसा होता है, इस वीसा ओपन है सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के लिए ओपन है। पाकिस्तान से और इंडिया से जाएंगे तो विजिट वीसा भी ओपन है, विजिट वीसा में जा सकते हैं। और विजिट वीसा में कतर में जाने के बाद काम नहीं कर सकते और विजिट वीसा से आपको एम्प्लॉयमेंट वीसा में कन्वर्ट भी नहीं होता है और विजिट वीसा से दूसरे वीसा में कन्वर्ट भी नहीं होता है। विजिट वीसा का जितना वैलिडिटी रहता है उतना दिन ही रह सकते हैं। उसका अंदर किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन आप एग्जिट नहीं करके आप दूसरे कंपनी में काम नहीं कर सकते। जो मल्टी एंट्री वीसा है, इस वीसा का टाइमिंग कितना देंगे? मल्टी एंट्री वीसा का जो टाइमिंग होता है, और आप मल्टी एंट्री वीसा का वैलिडिटी होता है 3 महीने का वैलिडिटी हो सकते हैं, 6 महीने का वैलिडिटी हो सकते हैं, 1 साल का वैलिडिटी भी हो सकते हैं। अगर आपको 1 साल का वैलिडिटी हो और 3 महीने का और 6 महीने का वैलिडिटी हो, आपको वीसा मिलने के लिए सिर्फ 1 हफ्ता टाइम लगेगा। 1 हफ्ते के अंदर ऐसे नॉर्मल मेडिकल करेंगे, क्योंकि इस वीसा के लिए आपको नॉर्मल मेडिकल करना पड़ता है। तो नॉर्मल मेडिकल करके आपका ये वीसा मिलने में सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही आपको वीसा मिल जाएगा। 1 वीक में ये वीसा मिल जाएगा। मल्टी एंट्री वीसा में कतर में जाने के बाद कतर आईडी मिलने में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इस वीसा के लिए केवाईसी नहीं करना पड़ता है। नॉर्मल मेडिकल करके इस वीसा मिल जाता है, इसलिए इस वीसा में अगर कतर में जाना चाहते हैं जा सकते हैं। जल्दी वीसा भी मिल जाएगा, जल्दी वीसा चाहिए वर्क मल्टी एंट्री वीसा में जा सकते हैं। उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट वीसा होता है, जो 2 साल के लिए वीसा होता है, इस वीसा पाने में कितना टाइम लगता है? देखिए जो एम्प्लॉयमेंट वीसा है, जो वर्क वीसा है, उस वीसा को पाने के लिए अगर कतर का किसी भी कंपनी इंटरव्यू दे चुके हैं, सिलेक्ट हुआ है, तो आप जैसे सिलेक्ट होगा आपका कंपनी जैसे आपका वीसा अप्लाई करेगा। अप्लाई करने के बाद आपका केवीसी मेडिकल करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तो केवीसी मेडिकल करना पड़ता है। बाद आपको मेडिकल रिपोर्ट सबमिट होगा, पूरा होते होते एक लंबा प्रोसेस है, क्योंकि लंबा प्रोसेस पूरा करने में 1 महीना भी टाइम लग सकता है, 1.5 महीना भी लग सकते हैं, 2 महीना भी लग सकते हैं। तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा आपको कितना टाइम लग रहा है, लेकिन ज्यादातर कंपनी का 1 से 1.5 महीने का अंदर वीसा मिल रहा है। तो अगर आपका कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा तो दिन टाइम लग रहा है, क्योंकि इस वीसा के लिए आपको केवीसी करना पड़ता है। केवीसी जो होता है, जो कतर मेडिकल सेंटर में जाके आपको मेडिकल करना है और बायोमेट्रिक को स्कैन करना है। कतर का वर्क वीसा एम्प्लॉयमेंट वीसा पाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, 1 से 1.5 महीने का टाइम लग सकते हैं। तो विजिट वीसा के बारे में बहुत सारे भाई ने कॉमेंट किया, विजिट वीसा ज्यादा दिन टाइम लगता है, 1 से 2 दिन के अंदर वीसा मिल जाता है, लेकिन इस वीसा में जाने के बाद आप काम नहीं कर सकते। बहुत सारे भाई ने इस तरह से कॉमेंट भी किया है। और विजिट वीसा में जाके कतर में जाके काम कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते, लेकिन कतर में जाके किसी भी कंपनी में इंटरव्यू दे सकते हैं, और इंटरव्यू दे के अगर फिर एग्जिट होकर फिर उसी कंपनी में जा सकते हैं। विजिट वीसा जाने के बाद दूसरा वीसा में कन्वर्ट नहीं होगा, ऐसा जो कतर में सुविधा नहीं है जैसे दुबई में होता है। विजिट वीसा में जाने के बाद दूसरा वीसा में कन्वर्ट हो जाता है, आपको एग्जिट करने का जरूरत नहीं पड़ता। कतर में इस तरह से सुविधा नहीं है, इसलिए विजिट वीसा में जाने के बाद आपको फायदा नहीं होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को एक वर्क वीसा और मल्टी एंट्री वीसा पाने के लिए आपको कितना टाइम लगता है आप लोगों को थोड़ा जानकारी मिल गया है। और ये वीडियो से थोड़ा सा जानकारी मिला, थोड़ा सा अच्छा लगे वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।